कहते हैं कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस बात को चरितार्थ किया है अपनी जीवन में ज्योति ने। जी हाँ, हम उसी ज्योति की बात कर रहे हैं जो साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर हुई और पिछले लॉकडाउन में अपने पिता को बिहार तक साइकिल की सवारी कर लेकर आए। दरअसल उनके पिता बीमार हो गए थे और यही वजह थी कि उन्होंने पूरे हौसले के साथ अपने पिता को यहाँ बिहार लाया, घर पर रखा। लेकिन महज एक इत्तेफाक कहें या बदकिस्मती कहें, पिछले साल तो ज्योति ने अपने पिता को बचा लिया, लेकिन इस बार वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार बैठे। जी हाँ, ज्योति के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। महज 3 से 4 दिन हो गए उनको गए हुए, और ऐसे में अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दलों की भी तरफ से ज्योति के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज ज्योति कांग्रेस के अध्यक्ष प्रियंका गांधी से बातचीत करेंगी। दरअसल उनकी ये बात वर्चुअल मोड में होगी, वर्चुअल तरीके से ज्योति उनसे बातचीत करेगी, और इस बातचीत को अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आकस्मिक मौत उनके पिता की हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूर ही पार्टी की तरफ से कोई बड़ी मदद उनकी की जा सकती है। क्या है पूरी जानकारी, आपको विस्तार से बताते हैं। देश भर में साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर बिहार की बेटी ज्योति कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से बात करेंगी। ज्योति से प्रियंका की यह मुलाकात वर्चुअल होंगी। प्रियंका गांधी से ज्योति पासवान की बात कराने के लिए कांग्रेस नेता मशकूर अहमद उस्मानी ज्योति पासवान तथा उनके परिवार से मिलने उनके गांव सिरहुली कमतौल जाएंगे। पिछले साल हुए लॉकडाउन में पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1300 किलोमीटर की यात्रा कराने और गुड़गांव से दरभंगा लाने वाली ज्योति के पिता मोहन पासवान का 3 दिन पहले निधन हो गया है। पिता की मौत के बाद प्रियंका गांधी के इस बात को काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि ज्योति के भविष्य के लिए प्रियंका या उनकी पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गांव की 13 साल की ज्योति पिछले साल लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से 8 दिन का सफर तय करके दरभंगा पहुंचकर सुर्खियों में आई थी। गौरतलब है कि साल 2020 में लगे कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से ज्योति 1300 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर घर लाई, लेकिन उनके इस अदम्य साहस ने उन्हें देश विदेश में ख्याति दिलाई। उसके साहसिक कदम के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी ने भी ज्योति की तारीफ की। इवांका ट्रंप ने कहा था कि इस तरह का साहसिक कार्य भारत की बेटी ही कर सकती है। ज्योति के पिता मोहन पासवान गुरुग्राम में ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन जनवरी 2020 में उनका एक्सीडेंट होने की वजह से उनके पैर में काफी चोट आई थी। एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद ज्योति अपने पिता के पास देखभाल के लिए चली गई। उसी बीच पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और उनके समक्ष खाने पीने तक की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद ज्योति ने 400 रुपये में साइकिल खरीदकर अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लेकर आई थी। तो कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी से आज वर्चुअल मोड में साहसी बेटी बिहार की ज्योति की बातचीत होगी, और इस पूरी बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां उनके पिता की का निधन हो गया है 2 से 3 दिन पहले, और परिवार की माली हालत कुछ सही नहीं, और यही वजह है कि पार्टी की तरफ से कोई अहम मदद उन्हें पहुंचाई जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।